साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट के बारे में। DGT ने इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल की एग्जाम डेट भी जारी कर दी है और साथ ही आज इस वीडियो में बात करेंगे हम हॉल टिकट के बारे में कि हॉल टिकट कब डाउनलोड किया जाएगा, कब वो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट को छोड़कर DGT ने बाकी सभी एग्जाम की डेट पहले जारी कर दी है। उस पर भी हमने एक वीडियो पहले बना दिया था, जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो साथियों, ये है वो लेटर हरियाणा स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डायरेक्टरेट द्वारा जारी किया गया 23/10/2020 को। इसमें कहा गया है कि DGT भारत सरकार ने 22 तारीख को इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल की परीक्षा, चाहे मैनुअल सिस्टम है चाहे DST सिस्टम है, उसके लिए एक्टिविटी शेड्यूल और डेट शीट जारी कर दी गई है। लेटर में निर्देश दिए गए हैं, निर्देश फर्स्ट दिया गया है कि DGT भारत सरकार के द्वारा निर्धारित अवधि अनुसार, चाहे वह सेमेस्टर सिस्टम है, DST सिस्टम है, एनुअल सिस्टम है, उनकी परीक्षाओं के लिए हॉल टिकट जनरेट करने के लिए NCVT MIS पोर्टल पर जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो निर्धारित समय में पूरी कर ली जाएं, इसके बाद डेट या कोई अवधि बढ़ाई नहीं जाएगी। आगे कहा गया है 2 नंबर पे कि जो बच्चों की अटेंडेंस है वो सिर्फ लॉकडाउन से पहले की जो अटेंडेंस है वही कंसिडर की जाए। तीसरे पॉइंट में वो परीक्षा की फ़ीस के बारे में बताता है। वो कहता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल की फ़ीस जो पहले जिस तरह से भरी जाती उसी प्रकार से ली जाएगी, लेकिन CBT ऑनलाइन के लिए जो फीस है वो DGT पोर्टल पे ऑनलाइन जमा करानी है। इसके बारे में DGT बाद में आप बच्चों को सूचित कर देगा। इस लेटर में वो शेड्यूल दिया गया है जिसके अनुसार सभी बच्चों की डिटेल NCVT MIS पोर्टल पर अपलोड करनी है प्रिंसिपल के द्वारा। यह सभी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे एडमिट हुए थे अगस्त 2018 में, यानी जिनकी सप्ली रहती है, वो बच्चे फेल हो गए थे, सप्लीमेंट्री एनुअल सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। दूसरा, वो बच्चे जो बच्चे एडमिट हुए थे अगस्त 2019 में 1 साल की ट्रेड में, और तीसरा वो बच्चे जो एडमिट हुए थे 2018 में यानी कि 2 साल की ट्रेड में, उन बच्चों के लिए शेड्यूल है। इस ड्यूरेशन को 2 ग्रुप में बांटा गया, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में। ये ग्रुप इस प्रकार बनाए गए हैं कि भारत में जितनी भी स्टेट हैं और सभी केंद्र शासित प्रदेश, वो 2 ग्रुप में बांटे गए हैं। ग्रुप के अनुसार उनके इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल के एग्जाम की डेट अलग अलग दी गई है और NCVT MIS पोर्टल पर अपलोड करने की डेट भी अलग अलग है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की अभी बात करेंगे हम, कौन से स्टेट ग्रुप 1 में आते हैं, कौन से स्टेट ग्रुप 2 में आती हैं। तो शेड्यूल में एक्टिविटी रहेंगी कि बच्चों की जो डाटा अपलोड करना है प्रिंसिपल के द्वारा, वो ग्रुप 1 के लिए 23 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 अक्टूबर 2020 के बीच में सभी डाटा अपलोड करना है, और ग्रुप 2 के लिए यही डेट रहेंगी 2 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में। क्या क्या डाटा अपलोड करना है? जो सप्लीमेंट्री के बच्चे हैं उनके अटेंडेंस नहीं देनी है, असेसमेंट मार्क्स भी नहीं देने हैं, सिर्फ एग्जाम की फीस अपलोड करनी है। दूसरे, वो बच्चे जो 2019 में एडमिट हुए थे 1 साल की ट्रेड में, उनके अटेंडेंस भी देनी है, असेसमेंट मार्क्स भी अपलोड करने हैं और उनकी एग्जाम फीस भी अपलोड करनी है। फिर वो कैंडिडेट जो अगस्त 2018 में एडमिट हुए थे यानी कि 2 साल की ट्रेड में एडमिशन लिया था, उनके लिए भी अटेंडेंस भी जाएंगी, असेसमेंट मार्क्स भी जाएंगे और एग्जाम फीस भी अपलोड करनी है। इसके बाद सेकंड एक्टिविटी में सेंटर मैपिंग और जनरेशन ऑफ हॉल टिकट का काम होगा NCVT MIS पोर्टल पर। ग्रुप 1 में जो स्टेट आती हैं या केंद्र शासित प्रदेश आते हैं उसके लिए डेट रहेंगी 2 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में, और जो ग्रुप 2 में आती हैं उनके लिए रहेगी 10 नवंबर से 17 नवंबर के बीच में। इसके बाद तीसरी एक्टिविटी में हॉल टिकट डाउनलोड करी जाएंगी MIS पोर्टल पर और बच्चों को इशू कर दी जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी। ये प्रिंसिपल के द्वारा ही पोर्टल से डाउनलोड करनी है और फिर बच्चों में टीचरों के द्वारा बांट दी जाएंगी। ये डेट रहेंगी ग्रुप 1 में जो स्टेट आती है उनके लिए 10 नवंबर से 17 नवंबर के बीच में, और जो स्टेट ग्रुप 2 में आती है उनके लिए 18 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में। ये वो अनेक्सर है जिसके अनुसार भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 2 ग्रुप में बांटे गए हैं। ग्रुप 1 में 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं और ग्रुप 2 में 16 केंद्र शासित प्रदेश या राज्य आते हैं। वो अपने स्टेट के अनुसार या अपने राज्य के अनुसार आप देख सकते हो कि आप ग्रुप 1 में आते हो या ग्रुप 2 में आते हो। जो हरियाणा की बात करें तो वो ग्रुप 1 में आता है।
तो इस पेज पर वो डेट दी गई है जिस डेट्स में इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल बच्चों के होने हैं। ये डेट शीट उन बच्चों पर लागू रहेंगी जो बच्चे सेशन अगस्त 2018 में एडमिट हुए हैं, यानी 2 साल की ट्रेड में एडमिशन जिसने लिया है, या अगस्त 2019 में जिनकी ट्रेड का कोर्स 1 साल का है। साथ के साथ ये डेट शीट ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग यानी DST के लिए भी लागू रहेंगी जिन बच्चों का एडमिशन सेशन अगस्त 2019 में हुआ है। ये डेट शीट इस प्रकार से हैं, 23/11/2020 मंडे 10 बजे सुबह जो 1 साल वाली ट्रेड है यानी फर्स्ट ईयर का एग्जाम होना है पेपर 4 इंजीनियरिंग ड्राइंग का, 23/11/2020 को ही शाम 2:30 पर सेकंड ईयर के बच्चों का पेपर होना है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। फिर फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनका प्रैक्टिकल 25, 26 और 27 नवंबर को यानी वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे रहेगा सुबह 9:30 से लेकर शाम 5 बजे के बीच में। ये फर्स्ट ईयर के लिए है। यही प्रैक्टिकल की डेट सेकंड ईयर के लिए रहेंगी 28 नवंबर, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर यानी सैटरडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 9:30 से 5 बजे तक। तो ये थी डेट शीट इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल की। इसमें लिखा गया है लंच ब्रेक 1 से 1:30 के बीच में होगा सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में। साथ ही साथ हॉल टिकट जो जनरेट होंगी, सिर्फ जो हॉल टिकट्स NCVT पोर्टल से जनरेट होंगी वही वैलिड होंगी, इसके अलावा कोई भी हॉल टिकट वैलिड नहीं होगी। ये भी साफ साफ लिखा गया लेटर में। इस लेटर में उन बच्चों की बात करी गई है जिन बच्चों का एडमिशन सेमेस्टर सिस्टम में हुआ था और वो बच्चे इंजीनियरिंग ड्राइंग में या प्रैक्टिकल में फेल हैं, उनके लिए NCVT MIS पोर्टल पर डाटा अपलोड करने की डेट सेम रहेंगी जैसे दूसरे बच्चों के लिए हैं, यानी ग्रुप 1 के लिए 23/10 से 31/10 तक और ग्रुप 2 के लिए 2/11 से लेकर 9/11 के बीच में। जो सेंटर की मैपिंग है जनरेशन ऑफ हॉल टिकट वो रहेगी 2/11 से 9/11/2020 के बीच में और ग्रुप 2 के लिए 10/11/2020 से 17/11 के बीच में। इनके लिए भी जो हॉल टिकट डाउनलोड होंगी और बांटी जाएंगी वो ग्रुप 1 के लिए 10/11 से 17/11/2020 के बीच में और ग्रुप 2 के लिए 18/11/2020 से 22/11/2020 के बीच में। इस पेज पर वो डेट शीट दी गई है जो उन बच्चों पर लागू रहेगी जिनका एडमिशन सेमेस्टर सिस्टम में हुआ था और वो इंजीनियरिंग ड्राइंग में या प्रैक्टिकल में फेल हैं, या वो बच्चे जिनका एडमिशन ड्यूल सिस्टम में अगस्त 2018 से पहले हुआ था और उनकी सप्ली रहती है। इन बच्चों की डेट शीट इस प्रकार से रहेंगी, 23 नवंबर 2020 को मंडे को सुबह 10 बजे सेकंड सेमेस्टर का इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर होगा और ड्यूल सिस्टम वाले फर्स्ट ईयर के बच्चों का इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर होगा। शाम 2:30 पर थर्ड सेमेस्टर का पेपर होगा और ड्यूल सिस्टम में सेकंड ईयर का पेपर होगा। फिर 25 नवंबर 2020 को वेडनेसडे को सुबह 10 बजे फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है ड्राइंग का, ड्यूल सिस्टम का कुछ नहीं है, शाम को कोई पेपर नहीं है। फिर 26/11/2020 को थर्सडे को सुबह 9:30 फर्स्ट सेमेस्टर का ट्रेड प्रैक्टिकल है और ड्यूल सिस्टम के फर्स्ट ईयर के बच्चों का ट्रेड प्रैक्टिकल है। 27/11 को फ्राइडे 9:30 सेकंड सेमेस्टर का ट्रेड प्रैक्टिकल है और ये ड्यूल सिस्टम में फर्स्ट ईयर का है। 28 नवंबर 2020 सैटरडे को थर्ड सेमेस्टर का ट्रेड प्रैक्टिकल है और ड्यूल सिस्टम में सेकंड ईयर का। 1 दिसंबर 2020 को यानी ट्यूसडे 9:30 फोर्थ सेमेस्टर का ट्रेड प्रैक्टिकल है और ड्यूल सिस्टम के सेकंड ईयर के बच्चों का। तो साथियों इनके लिए भी लंच ब्रेक है, सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में 1 से 1:30 के बीच में रहेगा, इसके बाद कोई भी डेट नहीं बढ़ाई जाएगी, DGNT के द्वारा ये साफ निर्देश दिए गए हैं। तो उम्मीद है साथियों आपको डेट शीट अच्छी तरह समझ में आई होगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट्स समय से मिलती रहें। थैंक यू।